साथ रहनिया संग के साथी दया मेरे पे फेर दियो, जिस रस्ते मेरी आरती जागी उस पे फूल बखेर दियो। हो साथ मैंने रागनी भी गाई है, भजन भी गाए हैं और डांस वगैरह का भी किया है। धोखा यार ने वो यार नहीं हो, जो देवे धोखा यार ने वो यार नहीं। थोड़ा सा घर की स्थिति कुछ ऐसी थी और कुछ मतलब मुझे शौक भी था, दोनों ही बातें थी। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? ICT मीडिया न्यूज में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं, मैं संदीप तंवर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आए दिन प्रतिदिन किसी न किसी हरियाणवी कलाकार लेडीज जेंट्स हम आपका परिचय करवा रहे हैं, उनके विचार हम आप तक लेके आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ एक संगीतकार, जिसको हम कह सकते हैं इसी लाइन के, जो काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। और मैं उनके बारे में आपको पहले बताना चाहता हूँ एक दो बातें जो मेन है, और तो हम उनसे ही जानेंगे कि उनकी सोच है। जैसे कि हम बात पहले आए थे तब बातचीत की थी, तो उनके जो विचार है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति से मिलते जुलते हैं। वो देशभक्ति की बातें सबसे ज़्यादा करते हैं, तो उनके जो विचार है वो एक विचार मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लगेंगे आपको, क्योंकि इस समय ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जो देश के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले आपका ICTM मीडिया न्यूज़ में स्वागत करते हैं, पूरे चैनल की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए समय लगाया निकाला। ICTM मीडिया न्यूज़ में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो सभी से कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं ललिता सोनी और आप सभी को मेरा नमस्कार। और मुझे शुरुआत आपने जी हाँ कब से की इस फील्ड में, इस लाइन में? इस लाइन में शुरुआत मैंने की है 8-10 साल पहले। जी हाँ। तो वो शुरुआत ऐसे क्या विचार थे जो आपको शुरुआत करने पर मजबूर कर दिए? बस थोड़ा सा घर की स्थिति कुछ ऐसी थी और कुछ मतलब मुझे शौक भी था, दोनों ही बातें थी। जी हाँ। जैसे कि आपने शुरुआत की, आपके सामने परेशानियाँ अभी आई होंगी। हर व्यक्ति के सामने शुरू में जो वो कोई भी काम करता है तो परेशानियों को सामना करना पड़ता है, ये सच्चाई है। तो आपके सामने क्या परेशानी आई है? शुरू में तो ऐसा लगता था हम इस लाइन में जाएंगे, पता नहीं आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत हुई और इस लाइन में मैं बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा इस लाइन में आके। परिवार वालों का कैसा सहयोग रहा? उन्होंने क्या कभी रोका इस फील्ड में मत जाओ, इस लाइन में मत जाओ, ये अच्छी है गलत है? पहले तो शुरू में तो घर वाले कुछ थोड़ा बहुत ऐतराज़ करते थे, लेकिन अब कोई कुछ नहीं ऐतराज़ करता, सब वो भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ इस लाइन में। जैसे कि हमसे भी सीनियर है मैम, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति सीनियर होता है, जिसकी उम्र काफ़ी होती है, वो हर दौर में से गुजरा हुआ होता है, पारिवारिक में से भी, उनको समाज का हर प्रकार से, हर तरीके से पूरा ज्ञान होता है। तो आज कुछ ना कुछ हम भी इनसे सीख कर जाएंगे, क्योंकि हमसे बड़े हैं काफ़ी, और बड़े हमेशा छोटों को ज्ञान देते हैं। ये सवाल मैं लास्ट में करूँगा जी, हमको भी थोड़ा आप ज्ञान दीजिए। जैसे कि हम बात करते हैं हम आपकी स्टडी पर, आपने स्टडी कहाँ तक की हुई है? पढ़ाई तो जी मैंने थोड़ी की है, ज़्यादा नहीं की, हाँ 5-7 पढ़ी हुई हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं। पहले वाले व्यक्ति, जैसे कि आपने 8-10 साल हो लिए इस फील्ड में आए हुए, जो 8-10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, वो लगभग मेरे हिसाब से इतनी ही पढ़ाई करते हुए मिलेंगे हमें। जी हाँ, आपकी सही बात है। तो आपने किस प्रकार के सॉन्ग संगीत है वो गाए हैं अभी तक? मैंने रागनी भी गाई है, भजन भी गाए हैं और डांस वगैरह का भी किया है। सबसे पहले क्या आपने देशभक्ति, वो मैंने अभी दर्शकों को बताया था, अभी देशभक्ति पर हम विचार कर रहे हैं मैम से, क्या वो विचार कहाँ से आए कि बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो देशभक्ति कम गाते हैं, पता नहीं उनकी कोई मजबूरी हो, पसंद नहीं करते हैं आज की युवा पीढ़ी, ये भी एक सच्चाई बात है, युवाओं को सोच बदलनी चाहिए। तो क्या देशभक्ति के गाने, जो रागनी है, वो आपने क्यों गाए, क्यों मजबूर हुए कि मुझे देशभक्ति गाने? मुझे जी अच्छा लगता है देशभक्ति गाना, और
जैसे ये रागनी अभी थोड़े से गाई थी मैंने, ये सो सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, अभी ये गाई थी। जैसे कि इन्होंने किसी स्टेज पर गाई थी कुछ दिन पहले। जी हाँ स्टेज पर गाई थी, तो उसमें सभी ज्ञान की सी बातें हैं, तो उन बातों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। दो लाइनें जी हाँ। उस देशभक्ति की रागनी की हमारे दर्शकों को सुनाइए और हमें भी सुनिए, जिससे कि कहीं ना हमें भी कोई ना कोई प्रेरणा मिले। सुनाइए। तो बताए थे कि आजकल की जो यारी दोस्ती है और जो आजकल के मतलब जो भी हैं, वो यारी दोस्ती होती है सभी की जी। तो वो सही ढंग से नहीं निभा पाते आजकल लोगों ने, यारी दोस्ती की तरफ तो ध्यान छोड़ दिया और पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे चुके हैं। तो कहना चाहूँगी इस बात के ऊपर दो लाइन सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल सुनाइए, हमारे दर्शकों को सुनाइए। वो देशभक्ति की दो लाइनें हम आप तक सुना रहे हैं, वो विचार इनके जो अंदर आए थे देशभक्ति की, कहीं ना कहीं मुझे रागनी गानी चाहिए, इस प्रकार के इनके विचार थे, वो विचार हम आप तक लेके आ रहे हैं, कृपया करके ध्यान से सुनिए। जी सुनाइए हमारे दर्शकों को दो लाइनें। तो मैं कहना चाहूँगी कि आजकल जो भी है पैसों की तरफ इतना ध्यान नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत देना चाहिए जी। लेकिन इंसान को एक अपनी जो अंदर की वो होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसी बात के पीछे मैं आपको दो लाइन सुनाती हूँ। जो देवे धोखा यार ने वो यार नहीं, और कैसे, जो देवे धोखा यार ने वो यार नहीं, हो जो देवे धोखा यार ने वो यार नहीं, हो हुई दोस्ती देखो नरसिबाज पठान की, अमर सिंह की खातिर बाजी ला दी जान की, हुई दोस्ती देखो नरसिबाज पठान की, अमर सिंह की खातिर बाजी ला दी जान की, कर गया वो मर गया वो, कर गया वो मर गया वो, आज वैसा प्यार नहीं जो देवे दुख यार ने वो यार नहीं। ये सच्चाई ये बात है मैम की, कहीं ना कहीं वो जो इन्होंने शब्द निकाले, यदि उन शब्दों का अर्थ हम निकालें, आप और हम बैठकर सोचें, तो वो अर्थ जो निकलेंगे वो एक बिल्कुल कहीं ना कहीं हमें सही रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर देंगे। जैसा कि बताया, दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ व्यक्ति किसी को नहीं जानता है, लेकिन उनमें मित्रता हो जाए तो बहुत एक बड़ी बात है। जैसा कि हमने एक इंटरव्यू किया था अन्नू जी का, तो उन्होंने हमें ये बात बताई थी कि उनकी किसी गुंजन नाम की लड़की से, वो अब मेरे बात याद आ गई जैसे मैम ने बताया, उसी बात पर दोस्ती हुई थी और वो दोस्ती एक बहुत बढ़िया उन्होंने निभाई, दोनों तरफ से निभाई गई, कोई धोखा नहीं हुआ। और जो गुंजन जी है वो, मैं दर्शकों को बता देता हूँ, लड़की है, लेडीज़ है, कहीं लड़के समझ रहे हो आप उनको, तो वो उन्होंने उनको काम करने के लिए इस फील्ड में उनका जो हौसला है वो बढ़ाए रखा जी। एंड मैम, एक देशभक्ति की लाइन ने जैसे भगत सिंह पर, सुखदेव जी पर, चंद्रशेखर आज़ाद जी पर, इन पर, किसी भी हमारे जो देश के लिए जिन्होंने प्राण न्योछावर किए हैं, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन्हीं की बदौलत से। एक दो लाइनें देशभक्ति की ओर सुनाइए हमें। देशभक्ति विचार हम आप तक लेके आ रहे हैं मैम के, जो देशभक्ति इन्होंने काफ़ी रागनिया प्रोग्रामों में गाई है, वो देशभक्ति के विचार हम आपको दिखा रहे हैं जी। हमारे दर्शकों को सुनाइए, जो देशभक्ति आप सबसे ज़्यादा देशभक्ति रागनिया गाते हैं, तो देशभक्ति हमारे दर्शकों को सुनाइए। हेरे साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पर फेर दियो, जिस रस्ते मेरी आरती जागी उस पे फूल बखेर दियो, हो साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पर फेर दियो, जिस रस्ते मेरी आरती जागी उस पे फूल बखेर दियो। हेरे सबसे पहले मात पिता के
चरणों में प्रणाम लिखो हो, सब का कहता वो बड़े बड़ान है, मेरी राम राम लिखो। देखो दर्शक, हमारे जितने भी दर्शक हैं, युवा साथी हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मैम ने जो रागनी गाई है देशभक्ति की, वो रागनी आपको कैसे लगी। हमें वो रागनी बहुत अच्छी लगी। और कमेंट बॉक्स में एक सुझाव अपना और दीजिए कि हमें किन किन किसी के, जो व्यक्ति किसी के फ़ैन हो कलाकारों के, वो अपने फ़ैन हैं जिनके, वो कमेंट बॉक्स में हमें नाम बताइए किन किन का हम इंटरव्यू लेकर आएँ। उनके जितने भी फ़ैन हैं उनका इंटरव्यू हम लेकर आएंगे, उनके विचार हम आप तक पहुँचाएँगे। और इस आपके अपने चैनल ICT मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर खबर से, हर क्षेत्र की खबरों से हम आप तक रूबरू बने रहें। जय हिंद, जय भारत।